हेलो फ्रेंड्स, कुकीज़ी रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे खुरचन वाली रबड़ी, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, बहुत कम चीज़ों में बन जाती है। इसे बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन ये बहुत आसानी से बन जाती है। ये देखिए, खुरचन रबड़ी हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 1.5 लीटर दूध लिया है। ये 1.5 लीटर दूध है, फुल फैट मिल्क लिया है मैंने, और हमें ये मोटे तले के बर्तन में उबालना है। मोटे तले का बर्तन लेना ज़रूरी है, और इसे हम लगातार दूध को यूं ही चलाते रहेंगे जब तक दूध में उबाल आएगा। दो दो तीन तीन मिनट के अंतराल में हमें दूध को इस तरह से चलाते रहना है ताकि दूध हमारा तले में चिपके नहीं, और जब दूध में उबाल आ जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। ये देखिए, हमारे दूध में उबाल आ चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और इस तरह से जो मलाई हमारे दूध के ऊपर आएगी उसे हम किनारों से लगाते जाएंगे। ये देखिए, मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया था, और ये देखिए मलाई इसके ऊपर जिस तरह से आ गई है उसे हम चम्मच की सहायता से किनारों पे यूँ चिपकाते जाएंगे। ये देखिए मलाई मैं जिस तरह से किनारे पर लगाती जा रही हूँ, ये लगा दी। अब फिर थोड़ी देर में फिर से मलाई आ जाएगी इस दूध के ऊपर, फिर से उस मलाई को हम किनारों पर लगा देंगे। ये देखिए, गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है थोड़ी देर के लिए, फिर मीडियम करना है, फिर थोड़ी देर के लिए हमें लो करना है। इस तरह से करते हुए हम मलाई बनाते जाएंगे दूध के ऊपर, और उसे किनारों से इस तरह से चिपकाते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से पूरे किनारों पे हमारी मलाई चिपकती जाएगी, और हम इस 1.5 लीटर दूध को 250 ml कर देंगे, यानी हमें दूध को पाव भर बचाना है। इतनी क्वांटिटी हमें दूध की बचानी है। हम काफ़ी सारा दूध सुखा देंगे, उसको उबाल उबाल के हमें दूध गाढ़ा करना है, और इसकी मलाई इस तरह से बनाते जाना है। दूध को लगातार चलाते भी रहना है ताकि दूध तले में चिपके नहीं, नहीं तो उसमें टेस्ट में थोड़ा फर्क आ जाएगा। इस तरह से दूध को लगातार चलाते हुए हमें दूध को गाढ़ा करना है। ये देखिए, दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, काफ़ी मलाई इस पर उतरती जा रही है। मैं इसे किनारों से इस तरह से लगाती जा रही हूँ। ये देखिए, हमारा दूध लगभग पाव भर या 300 ml बच चुका है। ये देखिए कितनी सारी मलाई मैंने किनारों पर इस तरह से लगाई है। ये हमारी काफ़ी सारी मलाई किनारों पे लग चुकी है, दूध लगभग सूख चुका है। जितना हमें करना था उसकी क्वांटिटी उतनी हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 teaspoon इलायची पाउडर। आप चाहें तो ऐसे इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इलायची पाउडर डाला है, इससे रबड़ी का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। और ये डाल रही हूँ मैं 1 tablespoon चीनी। हमें चीनी कम ही डालनी है, दूध सुखा के हमने बिल्कुल थोड़ा सा कर दिया है, इसलिए हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से चला देंगे ताकि हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। ड्राई फ्रूट आपकी इच्छा है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, ना डालना चाहते हैं तो ना डालें। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट नहीं डाले हैं, हमने ऐसे ही बनाई है बिना ड्राई फ्रूट की रबड़ी। अब इस दूध को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, पूरे किनारों पर इस तरह से मलाई लग चुकी है, और इसे ठंडा होने के बाद हम खुरच के दूध में मिला देंगे। अब ये दूध ठंडा हो चुका है, मलाई भी सूख चुकी है किनारों पे। अब इन सबको किनारों से हटा के हम दूध में मिला देंगे, इसको खुरच खुरच के। ये देखिए, इस तरह से चम्मच की सहायता से हम यूँ खुरचते जाएंगे, और इस मलाई को इस दूध में मिक्स करते जाएंगे। रबड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, एकदम मार्केट की तरह बनती है। जो बाज़ार में रबड़ी मिलती है बहुत टेस्टी होती है, उसी तरह से ही हम घर पे आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने सारी मलाई को दूध में मिक्स कर दिया। ये हमारी लच्छेदार रबड़ी बनके तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये मैंने एक बोल लिया है, हम इसमें रबड़ी को सर्व कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार घर में ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसानी से इजी तरीके से बन जाती है ये। इसमें वक्त ज़रूर लगता है बनाने में थोड़ा, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसके ऊपर थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, बादाम और पिस्ते की कतरन, और थोड़ी सी केसर गार्निश के लिए। ये हमारी मीठी स्वादिष्ट रबड़ी
बनके तैयार है। इसे बनाते वक्त बस यही ध्यान रखना होता है कि हमारा दूध तले में लगे नहीं। इसे लगातार हमें चलाते रहना होता है, बस यही ध्यान हमें रखना होता है, तो हमारी रबड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। ये देखिए हमारी लच्छेदार खुरचन वाली रबड़ी बनके तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।